सऊदी एयरलाइंस के एक जहाज में गुरुवार को पेशावर के बाजा खान एयरपोर्ट पर लैंड करते समय आग लग गई। यह जहाज सऊदी अरब की राजधानी रियाद से पेशावर आ रही थी। जहाज में करीब 300 लोग सवार थे। समय रहते सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। पाकिस्तान के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण की तरफ से जारी बयान के मुताबिक सऊदी एयरलाइंस की फ्लाइट जब लैंड कर रही थी तभी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ने विमान के बाईं तरफ धुआं और चिंगारी निकलते देखा। डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक आग लगने की सूचना मिलते ही सबसे पहले पायलटों को अलर्ट किया गया। इसके बाद फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू सर्विस को सूचना दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक दमकल की गाड़ियों ने समय रहते जहाज से निकल रही लपटों पर काबू पा लिया जिससे विमान एक बड़े हादसे से बच गया। विमान में 276 यात्री और 21 क्रू मेंबर थे। सभी को इमरजेंसी स्लाइड से सुरक्षित बाहर निकाला गया। हो सकता था बड़ा हादसा। पाकिस्तान की मीडिया के अनुसार सऊदी एयरलाइंस 792 गुरुवार सुबह पेशावर के बाजा खान एयरपोर्ट पर पहुंची थी। इस दौरान रनवे के पास लूप में घूमते समय विमान के बाएं लैंडिंग गियर में धुआं उठा और आग की लपटें उठने लगी। घटना की गंभीरता को देखते हुए एयरपोर्ट पर मौजूद कर्मचारियों ने तत्काल प्रभावी कदम उठाए। एयरपोर्ट पर स्थिति सामान्य। अधिकारियों के मुताबिक यदि समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। रिपोर्ट के मुताबिक एक टीम ने यात्रियों को इमरजेंसी स्लाइड के जरिए विमान से बाहर निकाला और फायर ब्रिगेड ने आग को बुझाने में जुटी रही। पेशावर हवाई अड्डे के अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल एयरपोर्ट चालू है और सभी उड़ानें अपने तय समय से हैं।